रुबीना दिलाइक विनर बनके ही सांस लेंगी, क्योंकि वो जो कर रही है उसे देखकर हर कोई उन पर लट्टू होता जा रहा है। दर्शक लगातार रुबीना के सपोर्ट में ट्वीट करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रुबीना के नाम का झंडा लहरा रहा है, लेकिन लोगों को अचानक डर सताने लगा है कहीं बिग बॉस मेन मौके पर गेम पलट ना दे, रुबीना की ये खुशी दुख में ना बदल जाए, क्योंकि रुबीना भी बिग बॉस के घर में बहुत खुश है और वो लगातार उस दिन का इंतजार कर रही है जिसका हर किसी को इंतजार हो रहा है। इस दिन को देखने के लिए वो एंजॉय कर रही है। जी हाँ, इस वक्त घर के अंदर 5 लोग यानी रुबीना, राहुल, अली, निक्की और राखी हैं। इन 5 में कौन विनर बनेगा वो तो बिग बॉस ही जानते होंगे, लेकिन रुबीना को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो विनर बनेगी। ऐसे में रुबीना ने इन 4-5 दिनों को और ज्यादा अट्रैक्टिव और यादगार बनाने के लिए वो काम किया कि हर किसी के होश उड़ गए। जी हाँ, ज्यादा लाइमलाइट के लिए रुबीना ने फिनाले वीकेंड पर या यूं कहें कि मेन मौके पर राहुल वैद्या से भी हाथ मिला लिया। रुबीना राहुल वैद्या को हक करती नजर आई, उनके साथ नाचती नजर आई। इतना ही नहीं, सुबह सुबह रुबीना राहुल के बेड तक जाती और उन्हें प्यार से उठाती है। ये सब क्यों हो रहा है वो तो वही जाने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रुबीना ये सब विनर बनने के लिए कर रही है ताकि दर्शकों की नजर में उनका भरा चेहरा दिखे। सुबह सुबह रुबीना उठती हैं और अकेले ही किचन एरिया में नाचती देखती है। उनके डांस स्टेप देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिनाले वीकेंड में जाने के लिए रुबीना बहुत ज्यादा खुश है। उन्हें उम्मीद है कि वो जीत कर रहेंगी, लेकिन क्या रुबीना की इस खुशी को नजर लग जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेन वक्त पर रुबीना के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि उनका विनर बनने का सपना टूट जाए, क्योंकि राहुल के अलावा राखी सावंत भी रुबीना की दुश्मन है। राखी सावंत ने फिनाले में सिलेक्शन होने के बाद कहा कि रुबीना ने सबसे ज्यादा मेरा दिल दुखाया, तो क्या राखी आखिरी वक्त में रुबीना को पछाड़ देंगी? क्या राखी रुबीना की कमर मोड़ देंगी? क्या राखी रुबीना का घमंड चूर चूर कर देंगी? क्या राखी नहीं चाहती कि रुबीना जीते? आप भी राखी और रुबीना को लेकर कमेंट जरूर करें। देवोलीना भट्टाचार्य जी बार बार वही गलती कर रही हैं जिसके लिए उन्हें बार बार रोका जा रहा है। जी हाँ, देवोलीना से कई बार बिग बॉस ने कहा कि आप खुद और किसी को चोट पहुंचाने वाली हरकतें बिल्कुल ना करें, लेकिन देवोलीना कहाँ मानने वाली। देवोलीना ने तो आज अपने बड़े शख्स पर कुर्सी उठाकर मारी। देवोलीना ने रुबीना के साथ जो किया उसके बाद लोग देवोलीना को आउट कराने की मांग उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई रुबीना से खुश है और शायद तभी हारती हुई रुबीना को टास्क में जिता दिया गया, उन्हें विनर बनाया गया। जी हाँ, राहुल टिकट टू टास्क गेम में जीत के बहुत करीब थे, लेकिन संचालक बने पारस ने गेम उस वक्त पलट दिया जब उन्होंने रुबीना को विनर बनाया। जी हाँ, पारस की इस हरकत पर घर वाले सब पारस पर हावी हो गए और पारस की इस हरकत पर सबसे ज्यादा देवोलीना ने रिएक्शन किया, क्योंकि पारस देवोलीना के सपोर्टर बनकर आए और उन्होंने उन्हीं के साथ धोखा कर दिया। पारस ने राहुल की टीम को ना जितवा कर रुबीना को फिनाले तक पहुंचाने के लिए जितवाया। जी हाँ, इस टास्क का विनर तय करता है कि कौन फिनाले तक पहुंचने के लायक है। अब रुबीना तो पहले ही नॉमिनेट थी, तो बिग बॉस ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वो देवोलीना और खुद को छोड़कर किसी एक को फिनाले तक जाने के लिए सेलेक्ट कर सकती हैं। रुबीना ने निक्की का नाम लिया और इस तरह से निक्की पहली सदस्य बनी फिनाले वीक में जाने के लिए। वह ये सब देखकर देवोलीना ने फिर से वही आतंक मचा दिया। यहाँ पर देवोलीना सबसे ज्यादा गुस्सा बिंदु दारा सिंह पर होती दिखी, जो टास्क के दौरान बार बार देवोलीना से कह रहे थे कि वहां से हट जाओ वरना तुम्हें उठाकर अंदर ले जाना पड़ेगा, जबकि देवोलीना रुबीना से लड़ने में लगी थी। देवोलीना रुबीना को बार बार जवाब पे जवाब दे रही थी और उसे जितवाना नहीं चाहती थी। देवोलीना का कहना है कि बिंदु दारा सिंह की वजह से ये सब हुआ। देवोलीना ने रुबीना से खूब मुंहजोरी की और उस वक्त रुबीना का चेहरा देखने लायक था। वो वहां पर खुद को बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी रुबीना ने कोई गलत शब्द नहीं बोला जिससे देवोलीना का गुस्सा बढ़े। लेकिन देवोलीना ने तो घर में कुर्सियां ही फेंकना शुरू कर दी। वो बिंदु दारा के सामने बोतल पीटती है, मेज पे हाथ पीटती है। लोगों का डर था कि कहीं वो बिंदु दारा पर कुर्सी फेंक कर न मारे, और उन्होंने वही काम किया। वो तो बिंदु दारा सिंह बाल बाल बच गए, वरना देवोलीना फिर से घर में बड़ा कांड करने वाली थी। तो आपको देवोलीना के इस गुस्से पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।
आपको बता दें, देवलीना भट्टाचार्य ने इस शो में एंट्री लेने के साथ ही निक्की तंबोली पर अपना निशाना बनाया था। निक्की के बाद देवलीना का अगला शिकार अर्शी खान लग रही है। अब देखना होगा अर्शी खान के साथ उनकी दुश्मनी कहां तक जाती है। देवलीना ने इस शो में एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर एंट्री ली है। ऐसे में देवलीना के लिए जरूरी है कि वो एजाज के कमबैक तक अपना गेम स्ट्रॉन्ग ही रखे। फिलहाल तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। बिग बॉस के सभी शौकीनों को पता चल गया होगा कि इस सीजन में अब तक का सबसे बदतमीज और घटिया कंटेस्टेंट कौन है। जी हाँ, हम निक्की तंबोली की बात कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में आई मीडिया ने भी निक्की तंबोली को घटिया और बदतमीज का टैग दे दिया है। पहले तो घर वालों ने दिया और अब मीडिया ने भी निक्की को सबसे ज्यादा घटिया औरत बता दिया। उनके अंदर बिल्कुल भी स्टार बनने की काबिलियत नहीं है। भले ही वो शब्दों से एक्ट्रेस कहलाती हूँ, लेकिन रियल में वो बदतमीज लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखती है, अपना ही भला सोचती है। शायद इसलिए डे वन से ही निक्की का कोई दोस्त नहीं है। बाहर भी उनका यही हाल होगा। निक्की की इन हरकतों से एक रिपोर्टर तो इतना परेशान हो गया कि उसने खुद बिग बॉस के घर में जाकर निक्की पर सीधा हमला बोल दिया। निक्की की हालत खराब हो गई, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, पसीना छूटने लगा और तो और वो कुर्सी छोड़कर भागती नजर आईं। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें पागल लड़की बता दिया। उसके बाद तो कुछ रिपोर्टर्स ये तक कहते दिखे कि इन्हें पागलखाने जाने की जरूरत है, बिग बॉस से इन्हें जल्दी निकालो। जी हाँ, एक रिपोर्टर ने निक्की को साफ साफ कह दिया कि तुम सच में बिन पेंदी का लोटा हो, जो पल भर में इधर और दूसरे पल में उधर हो जाती हो, और इस वक्त तो तुम रुवीना की कठपुतली हो। एक रिपोर्टर ने ये तक कह दिया कि शायद आपको बदतमीजी का टैग सही मिला और अभी तक आप ये टैग पर कोई काम नहीं कर रही हो, अभी भी आप बदतमीजी हो और घर वालों के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, इसलिए आप यहाँ भी मीडिया के सामने बदतमीजी कर रही हो और इस वक्त तुम रुवीना की कठपुतली बिल्कुल सही हो। रिपोर्टर के इन शब्दों से निक्की का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो रिपोर्टर पर चढ़ बैठी और उनसे कहने लगी कि तुम्हें इसलिए बिग बॉस ने बुलाया, तुम रिपोर्टर के लायक नहीं हो। रिपोर्टर और निक्की की तीखी बहस होती रही। इतना ही नहीं, रिपोर्टर ने साफ कह दिया कि जब आप यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही हो तो बाहर लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा, आपको पता चल गया होगा। निक्की ये बात सुनते ही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, निक्की तो देवलीना से भी लड़ बैठी, उन्हें भी उल्टा सीधा बोलती हैं, क्योंकि हाल ही में निक्की और देवलीना की गंदी वाली लड़ाई हुई थी।